तो क्विक रिवीजन में हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो आइसोमेरिज्म में ले लेते हैं कि आइसोमेरिज्म में हम कैसे कैसे बात करेंगे। मैं बार बार आपसे एक चीज़ कहे जा रहा हूँ कि आपको मैंने जो फंक्शन ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ वाला दिया हुआ है, फंक्शन ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ वाला दिया हुआ है उसमें आप ध्यान रखे रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसमें जो फंक्शन ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगी, एज इट इज़ आएंगी, डायरेक्ट उन पर ध्यान रखिएगा। तो आइसोमेरिज्म में हमारे पास में अगर हम यहाँ पर ब्रेक करने लगें तो हमारे पास में एक हुआ करती है चेन, हम स्ट्रक्चर आइसोमर की बात कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। एक होते हैं स्ट्रक्चर, एक होते हैं कॉन्फिगरेशन, ठीक है। उसमें हमारे पास में क्या होता है, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल होते हैं। स्ट्रक्चर में हमारे पास में क्या होते हैं, चेन, पोजीशन, फंक्शन, मेटामेरिज्म, टार्ट्रिक। अब ध्यान रखे रहेंगे कि अगर हमसे पूछता है टोटल आइसोमर्स, तो टोटल आइसोमर्स क्या होता है, स्ट्रक्चर और ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल सबकी हम काउंटिंग करा करते हैं। चेन हमारे पास में होगी, चेन के बाद में हमारे पास में कौन है, पोजिशन है। आपको अजीब लगेगा अरे ये क्या लिख के दिखा रहे हैं, नहीं नहीं मैं यहीं पर ही रिवाइज करा दूंगा। फिर हमारे पास में मेटामर है, फिर हमारे पास में क्या फंक्शन है। ध्यान रखेंगे फंक्शन आइसोमेरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है और फंक्शन आइसोमेरिज्म हमारी तभी क्लियर हुआ करती है, और फिर टॉटो है। फंक्शन आइसोमेरिज्म हमारी तभी क्लियर हुआ करती है जब हम किसको क्लियर कर लें, जब हम अपने फंक्शन ग्रुप की प्रॉपर्टीज को समझ लें। उसके समझने के बाद ये बहुत आसान हो जाती है। चेन आइसोमेरिज्म की जो दो तीन बातें हैं वो इंपॉर्टेंट है कि ये तभी पैदा होती है जब हमारे पास में क्या हो, चेन में चेंज हो। जैसे ब्यूटेन है, ब्यूटेन का मदर चेन का नाम चेंज हो जाना चाहिए, 1 2 3 4 ये ब्यूटेन है, ये 1 2 3, मदर चेन यहाँ कितनी 3 कार्बन की है। प्रोपेन है, ब्यूटेन है, मतलब नाम बदल जाए, लास्ट का नाम यहाँ ब्यूटेन कहलाएगा, यहाँ प्रोपेन कहलाएगा, दोनों चेन आइसोमर है। इसी तरह से अगर मेरे से कोई ये कहता है ऐसे लिखा हुआ है और मेरे से कोई कहता है कि ये लिखा हुआ है इसमें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नहीं, ये चेन आइसोमेरिज्म नहीं है, ये चेन आइसोमेरिज्म नहीं। क्यों नहीं है चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में मदर चेन पेंटेन है और यहाँ भी हमारे पास में मदर चेन पेंटेन है, मदर चेन चेंज हो जानी चाहिए। ऐसे ही जब हम साइक्लो की बात करेंगे तो साइक्लो भी हमारे पास में अगर ब्यूटेन है, ब्यूटेन से प्रोपेन होना चाहिए, तब ऐसा होगा। बात आती है पोजीशन की। पोजीशन में हमारे पास में फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज होनी चाहिए। इनमें जो फेमस है वो सबसे ज़्यादा हुआ करता है ये वाला, मेरे पास ये लिखा हुआ है और मेरे पास में ये लिखा हुआ है। एक को हम बोलते हैं जेम, दूसरे को हम बोलते हैं विसिनल। विसिनल कौन सा, ये वाला। जेम कौन सा, ये वाला। जेम अगर हम बोलने की बात आती है तो जैसे खाने वाला जेम होता है ना, खाते हैं हम जेम को, खाते हैं, तो उसमें एक ही जगह पे हमें मिला दिया जाता है, एक ही जगह पे कोई चीज़ मिला दी गई तो हमारा क्या हुआ, खाने वाला एक तरह से वो चीज़। जेम में सब कुछ एक जगह मिला देते हैं, तो यहाँ पर एक ही जगह पर रख दिया दोनों सीएल को, तो वो कहलाएगा जेम कहलाएगा, ठीक है। पोजीशन आइसोमेरिज्म बनाते बनाते हमारे पास में बहुत सारे और भी क्वेश्चन जो बनते हैं उसमें आप ध्यान रखेंगे कितने पोजीशन आइसोमर्स बन रहे हैं। अब आती बात मेटामेरिज्म की। मेटामेरिज्म उन्हीं में हुआ करता है जिनमें फंक्शन ग्रुप मिडिल में होता है, जैसे ये, और इनके मिडिल में होने के बाद हम केवल एल्काइल ग्रुप्स को ही चेंज करा करते हैं। तो ऐसा कहाँ पर होता है, हमारे पास में हुआ करता है ईथर्स के केस में, थायोईथर्स के केस में, कीटोन्स के केस में, ठीक है, एस्टर के केस में, एस्टर के केस में भी ये चीज़ हुआ करती है, ठीक है। ये एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं, सेम क्लास, मतलब ईथर है तो ईथर ही रहेंगे सब, इस तरह की बातें। बाद में आती है फंक्शन आइसोमर्स। फंक्शन आइसोमर्स के लिए हमें ग्रुप को जानना जरूरी है। अगर मेरे पास में एल्कोहल है तो पक्का मानिए उसका साथी ईथर जरूर होगा, नहीं साहब ईथर है तो एल्कोहल जरूर होगा, ठीक है। कैसे, अगर मेरे पास ये एल्कोहल बना हुआ था तो इससे ईथर नहीं मिल सकता, और ईथर बनने के लिए कम से कम हमारे पास में 2 कार्बन्स होनी जरूरी है। इसका एल्कोहल बन जाएगा, क्या बनेगा, C2H5OH, इससे इधर हो जाता है। जैसे कीटोन है तो एल्डिहाइड होगा, लेकिन एल्डिहाइड है तो कीटोन जरूरी नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड एक कार्बन का भी बन सकता है और कीटोन बनने के लिए 3 कार्बन्स की जरूरत हुआ करती है, ठीक है। तो ये रिवीजन चल रहा है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से आपको चीज़ों को रिवाइज करा रहा हूँ फटाफट, लेकिन डिटेल एक्सप्लेनेशन तो हमें टाइम लेता है। डिटेल एक्सप्लेनेशन इसमें और भी बातें करेंगे, कुछ रिएक्शंस भी कराएंगे, कुछ प्रोडक्ट भी बनाएंगे, मोनोक्लेशन, डाइक्लेशन, बहुत सारी बातें उसमें बतानी पड़ती हैं। तो ये हमारे पास में बात हुई। एक जो इंपॉर्टेंट बात है फंक्शन आइसोमेरिज्म और टार्ट्रिक को बीच में मैं डिफरेंशिएट करने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। हमारे पास में जब भी हम टार्ट्रिक की बात करेंगे फंक्शन आइसोमेरिज्म, तो फंक्शन आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे HCN और HNC रखा हुआ है, तो मेरे पास में अगर RCN है और यहाँ RNC है, मतलब ये है और ये है, एल्काइल ग्रुप होना ज़रूरी है। किसके लिए, फंक्शन आइसोमेरिज्म होने के लिए। फंक्शन आइसोमेरिज्म होने के लिए हमारा एल्काइल ग्रुप होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ HCN लिखा है, यहाँ HNC लिखा है, तो ये फंक्शन आइसोमर्स नहीं है। अगर मेरे पास में लिखा CH3CN और मेरे पास में लिखा CH3NC, ये फंक्शन आइसोमर्स हैं, ये कहलाते हैं कुछ और उसको हम बोलते हैं टॉटोमर्स। क्या कहलाते हैं वो, टॉटोमर्स। टॉटोमेरिज्म भी हमारे पास में क्या होता है, डायनेमिक एक क्लोन में होने वाली कंडीशन है जिसमें हमारा कीटो पोजीशन ज़्यादा होती है, इनॉल पोजीशन कम होती है। ये कीटो इनॉल भी कहलाया करती है, ये HCN में भी होती है, HNO2 में भी होती है। ये सारी चीज़ें आप एक बार को देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे उन सब चीज़ में, ठीक है। अब हमारे पास में इस क्विक रिविजन में सिंस हमारे पास नहीं तो टॉटोमेरिज्म में तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो हमसे कहेगा कि बताइए हमारे पास में कौन अच्छा एसिडिक है, तो बहुत अच्छा एसिड हमारे पास में वो हुआ करता है जो H प्लस को आसानी से दे दे, जैसे ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ, दोनों टॉटोमेरिज्म करते हैं। मतलब ये H आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ से H प्लस का निकालना आसान है तो ज़्यादा एसिडिक ये हो जाएगा। तो ज़्यादा एसिडिक की बात हमसे अगर पूछता है तो हम ज़्यादा एसिडिक की बात भी कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आगे क्योर हो जाया करती हैं कि टॉटोमेरिज्म कहाँ बेटर होती है, जहाँ से H प्लस का निकलना आसान होता है, इनोलाइजेशन हो जाना आसान होता है। कभी कभी इनॉल फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे मेरे पास में अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, ये कीटो है और इधर की ओर अगर हम जाते हैं तो ये मेरे पास में क्या है, इनॉल है। इन दोनों में ज़्यादा परसेंटेज इसकी है, इन दोनों में ज़्यादा परसेंटेज इसकी है। दिस इज सिंपल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल के क्विक रिवीजन की। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, दिस इज क्विक रिवीजन, ऑर्गेनिक फोर, ये रिवीजन चल रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम रिवीजन कर रहे हैं, ना कि डिटेल एक्सप्लेनेशन। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए तो हमें समय चाहिए और ये 8 से 9 घंटे का टॉपिक है जो मैंने अपनी बुक के अंदर या अपनी वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन वाली मैं अच्छे से समझाया, या फिर वीकेंड जो क्लासेस चलेंगी आपकी उसके अंदर बहुत आराम से समझाएंगे। फिर इसके ऊपर बेस क्या क्या प्रॉब्लम बन सकती है उन सबको देंगे। इसका पीडीएफ मैं आपको अभी नहीं दे पाऊंगा, इसके अंदर पीडीएफ इतना मेरे पास नहीं है अवेलेबिलिटी, लेकिन हाँ रेजेंट्स का पीडीएफ मैं आपको, जो नेक्स्ट वीडियो होगी रेजेंट्स की, उसका पीडीएफ मैं आपको डिटेल दूंगा, उसके आपको जरूर पढ़ना करना है काम उसमें, ठीक है। तो मेरे पास में क्या, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, ज्योमेट्रिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सी डबल बॉन्ड सी के अंदर हमारे पास में ऑब्जर्व होता है और साथ में ये ऑब्जर्व हुआ करता है इनके अंदर भी, ऑड नंबर के एलीन। क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ा है कि डबल बॉन्ड एक होने पर होता है, तो ऑड नंबर में होता है। एक मीन्स आप एक को जानते हो ना, 1 को जानते हो, तो 3 में होगा, फिर 5 में होगा। और यहां पर जो ग्रुप है वो अलग अलग होने चाहिए, यहां पर जो ग्रुप है वो अलग अलग होने चाहिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। यहां पर मैं आपको बताता हूं ये इवन नंबर वालों में होता है। अगर ऐसे कुछ एलीन आ गए हैं, एलीन वाली बात हम कर रहे हैं, इसमें हो जाता है। सर ये क्या बता रहे हो, ये वो चीज़ बता रहा हूँ जहाँ से थोड़ा सा हट करके हमारी बात हो रही होगी, जहाँ पर हम थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब हमारे पास में बात आती है कि इनकी और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो जरा ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों की बातें करते हैं। इसमें हमारे पास में काइरल सेंटर होना जरूरी है, मतलब एक ऐसा कार्बन जिस पर लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, चाहे वो रिएक्शन के बाद हो या रिएक्शन से पहले हो। उसके बाद में हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट हुआ करता है वो ये वाला है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास में ये टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड की ये हमारे पास में क्या, मीजोफॉर्म है, ये मीजोफॉर्म हुआ करती है। इसमें मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट है क्विक रिवीजन में हमारे पास में इंपॉर्टेंट है, कि जो रेसमिक बनते हैं डी और एल को मिला करके उन्हें अलग करा जा सकता है, लेकिन मीजोफॉर्म अलग नहीं हो सकती है। ऑप्टिकल इनएक्टिविटी होती है, डी फॉर्म में एल फॉर्म मिला देंगे अगर इक्वल अमाउंट तो रेसमाइजेशन हो जाएगा और उनको हम अलग कर सकते हैं इन्वर्जन वगैरह से। लेकिन मेसोफॉर्म को हम इनएक्टिव से एक्टिव, मतलब इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण भी हो सकता है ऐसा, और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी बना करती है दोनों ही मेथड से। तो ध्यान रखेंगे टार्ट्रिक एसिड के कितने आइसोमर्स होते हैं, हमारे पास में एक डी होता है, एक एल होता है, एक मीसो हुआ करता है, डी एल और एक मीसो हुआ करता है। अब जो हमारे पास में बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, जहाँ पर एक बहुत बड़ी बात हमारे पास में आ रही है जिसके ऊपर मुझे आपसे कुछ बातें बतानी है, वो ये हुआ करती है इसी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कि हमारे पास में क्या होता है कि जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो ये अटैक करने के बाद में बना करती है। कैसे अटैक, हमारे पास में इन अटैक्स को आप ध्यान रखे रहेंगे, जैसे मेरे पास में ये लिखा हुआ है, मेरे पास में ये लिखा हुआ है इस तरह से, और इसके ऊपर कुछ अटैक होते हैं। एक होता है एंटी अटैक और एक होता है सिन अटैक। एंटी अटैक क्या होता है, एक तो करेगा अवेलेबल साइट पे और एक करेगा नॉन अवेलेबल पे, एक करेगा अवेलेबल पे, एक करेगा नॉन अवेलेबल पे। तो ऐसे अटैकर हमारे पास में जो एंटी होते हैं, जो इसको घुमा देते हैं, वो हमारे पास में कौन कौन से होते हैं, BR2 होगा, ठीक है। हमारे पास में और कौन होता है, ये परऑक्सी एसिड हुआ करते हैं। हमारे पास में MCPBA भी होगा, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ये इपॉक्सी बनाता है, ये एंटी अटैक करता है। मतलब BR2 का अटैक होगा तो यहाँ और यहाँ होगा, या यहाँ और यहाँ होगा। तो अगर हमारे किसी अटैक के कारण, अगर हमारे किसी अटैक के कारण आपका प्रोडक्ट डी बना, ये मेरे पास कौन था, सिस था, सिस से क्या बना डी। तो डेफिनेटली हमारे पास में क्या हुआ कि एक ने बी आर यहाँ लगाया और एक ने यहाँ लगा दिया। ऐसा भी हो सकता है कि बी आर का अटैक यहाँ हो और यहाँ हो जाए, ऐसा भी बन सकता है। इसका दूसरे साइड तो डी अगर बनाए तो इसका साथी एल भी बनेगा, और डी और एल हुआ करते हैं तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेसमिक बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं, और इनको अलग करा जा सकता है। लेकिन अगर मेरे पास में ये इस तरह से होता, मान लीजिए इस तरह से होता, तो एक करेगा यहाँ, एक इसको घुमा देगा, ऐसे घुमा देगा, तो एक यहाँ अटैक करता, एक यहाँ अटैक करता। मतलब अगर मैं इसके ऊपर बी आर टू का अटैक करता हूँ तो मेरे पास में इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर होगा बी आर, और एक यहाँ लगेगा ऐसे घुमा देगा, इस जगह पर भी होगा मेरे पास में बी आर, यहाँ लगेगा घुमा देगा। तो कैसा बना ये, मीजो बना। तो क्या बात आती है, ट्रांस के साथ अगर एंटी है तो मीजो बनेगा, और सिस के साथ अगर एंटी है मतलब इसे घुमा देने वाला है तो रेसमिक बनेगा। मीजो फॉर्म जो होती है वो इंटरनल कंपनसेशन से, ये जो मीजो फॉर्म है इसमें इंटरनल कंपनसेशन होता है, मीजो में इंटरनल कंपनसेशन होता है और रेसमिक में एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, क्या याद कर सकते हो, मीजो मेरी है, मीजो मेरी है, मीजो माइन, मीजो माइन मतलब मीजो अपना, मीजो माइन, मीजो माइन मतलब अपना, अपना मतलब इंटरनल, मीजो का मामला इंटरनल है, अपना मामला, जैसे बोलते हैं ना ये मेरा अपना मामला है भाई, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये मेरा अपना मामला है, तो ये आपका अपना मामला है, मतलब मीजो माइन है, इंटरनल कंपनसेशन से हो रहा है। याद हो गया, इंटरनल कंपनसेशन। अरे 2 दिन 3 दिन ऐसे बीत गया यार, कभी कभी मूड खराब हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, एपिसोड हो जाते हैं, ठीक है, वैसे ही इधर उधर मतलब बातें चलती रहती हैं, ठीक है। अब वीकेंड क्लासेस से लोगों ने सोचा कि चलो क्या करते हैं, वीकेंड क्लासेस से तो बैंड बजानी है, सच में बहुत भयंकर तरीके से चीज़ें सोच ली मुझे क्या क्या भेजना है। जेई वालों का उनका पैकेज अलग टाइप का भेजा करूँगा, नीट वालों का अलग भेजा करूँगा, 11th वालों का अलग भेजूंगा, और जेई और नीट की क्लासेस भी अलग अलग होंगी, जेई और नीट की क्लासेस भी अलग अलग होंगी, बिल्कुल डिफरेंट टाइप की क्लासेस होंगी, एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी को लगाकर अलग ही टाइप की स्टाइल में बना करके चीज़ों को लॉन्च कर रहा हूँ वीकेंड पे, जल्दी कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, अटेंशन में रह करो यार बस, ठीक है। ये हमारे पास में हो गया, ये तो हमारे पास में ऑप्टिकल आइसोमर, तो कायरल सेंटर को ढूंढ लीजिएगा इस तरह से। इसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज वाला, मतलब ग्लूकोज वाले की अगर मैं बात करूँगा तो ग्लूकोज में हमारे पास में 16 हुआ करते हैं, फ्रक्टोज की बात करूँगा तो मेरे पास में 8 हुआ करते हैं। ग्लूकोज के 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स हुआ करते हैं और फ्रक्टोज के हमारे पास में 8 हुआ करते हैं। ये डायरेक्ट आप याद करके जाएँ, 2 to the power n के हिसाब से हम काम करा करते हैं, वहाँ पर भी हम काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जब मैं ज्योमेट्रिकल की बात करता हूँ तो ज्योमेट्रिकल में ऐसी क्या बातें आती हैं, ज्योमेट्रिकल में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि मेरे पास अगर ये दिया हुआ है एल्काइन तो इसके ऊपर हमारे पास में 4 मेन अटैकर होते हैं, उनको याद रखेंगे, LINNS3 ट्रांस अटैकर, मतलब एक अवेलेबल इस तरह से करेगा, मींस ट्रांस बना देगा, ट्रांसफॉर्मेशन। NaNS3, ये रिवीजन चल रहा है, एक्सप्लेनेशंस कि आखिरकार ये बनते कैसे हैं, ट्रांस कैसे बनते हैं, सिस कैसे बनते हैं। Na2B निकिल बोराइट, निकिल बोराइट का मतलब है दोनों सेम साइड पे लग रहे हैं, दोनों सेम साइड पे लग रहे हैं। B2H6 बोरोनाइड, ये सेम साइड पे सिस, ये सिस देता है, ये सिस देता है, लेकिन ये और ये मिलकर के क्या देते हैं, ट्रांस देते हैं, ट्रांस दिया करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखे रहेंगे, तो एक ही अटैक हमें हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। जब ये बन जाते हैं इनके ऊपर फिर अटैक हो गया, मान लो BR2 का अटैक है तो एक होता है सिन अटैक। सिन अटैक कौन करता है, केमेनोफोर, मतलब अवेलेबल साइड पर 1% केमेनोफोर, और कौन करता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, मतलब जो खाली जगह है वहाँ वो OH लगा देंगे, यहाँ यहाँ, तो सिस से मीसो बन जाएगा। तो ये मेरी आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट खत्म हुआ इसके अंदर, ये कुछ बातें आइसोमेरिज्म से रिलेटेड थी, और भी कुछ बातें हैं इसके अंदर, ऐसी बात नहीं, और भी चीज़ करी जाती है, जैसे MCPVA क्या करता है, इपॉक्सी साइक्लिक ईथर बना लिया करता है, लेकिन वो आपकी नीट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जेई लेवल पर उसकी हायर सेगमेंट होती है, तो जेई एडवांस की जब मैं बातें कर रहा हूँ तो उन लोगों को मैं इस बात को बता रहा हूँ। तो ये कन्फॉर्मेशंस की बात आती है, कन्फॉर्मेशंस हमारे पास में क्या होता है, स्टैगर्ड, एक्लिप्स, ठीक है, ये हमारे पास में चीज़ें हुआ करती हैं, उनको आप अच्छे से कर सकते हैं, बातों को वहाँ भी समझ सकते हैं। तो ये आइसोमेरिज्म का मैंने सेगमेंट आपको समझा दिया। इससे पुरानी वाली वीडियो में मैंने क्या डाइपोल मोमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक और भी था, डाइपोल मोमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यार याद नहीं आ रहा, भूल गया। उस दिन बहुत ज़्यादा टेंशन थी ना दिमाग में, गुस्सा था, टेंशन नहीं गुस्सा था, इसलिए डिलीट विलीट करके सारी चीज़ें करी थी। गुस्सा तो गुस्सा स्वाभाविक है, जिसका गुस्सा नहीं आता ना दुनिया में समझो आदमी नहीं है। गुस्से को डायरेक्शन देनी चाहिए वो अलग बात है, लेकिन जिसको गुस्सा नहीं आ रहा ना वो समझो, लोग कहते हैं ना इसे गुस्सा नहीं आता है, ये नहीं होता है, तो इसका मतलब फिर उसे कुछ नहीं आता। अजीब सी बात लगेगी। गुस्सा आने का मतलब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा खासा है, गुस्सा आने का मतलब इसका मतलब खून ही नहीं बह रहा है, ठीक है। मतलब कहीं पे अगर कोई गलत होते देख रहा है तो मैं गुस्सा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब खून जाम हो गया, घर पे छोड़ गए हो या डुप्लीकेट खून पड़ा हुआ कहीं पे। तो मेरे साथ तो दिक्कत है, तो मुझे तो आ गया गुस्सा, अब गुस्सा आ गया मैंने, हाँ ठीक है देखो बेटा तुम भी खेल इसका। तो डाइपोलमेंट था और हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, देख लो गुस्से की हालत ये होती है, याद ही नहीं आ रहा, चलो जो भी था। 3 आर्टिकल मैंने उसके अंदर समझा रखा था। हाँ हाइब्रिडाइजेशन था, हाइब्रिडाइजेशन था। इन सब चीज़ों में ध्यान रखना, ये फेमस कुछ नाम है ना उनको याद रखना, वहाँ हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब निकालने पड़ जाते हैं, ठीक है। अब हम अपने पास में बात करते हैं कुछ रिएजेंट्स की। रिएजेंट्स एंड रिएक्शंस, एंड रिएक्शंस, रिजल्ट्स एंड रिएक्शंस। मैंने कुछ रात में सोच करके बनाया था आपके लिए, मैंने कहा अपने बच्चों के लिए कर लेता हूँ। ये बज रहे थे 12:30 उस समय, ठीक है। तो 12:30 बजे अपने बच्चों के लिए सोचा, मैंने कहा बाल को बच्चों तुम्हारे लिए क्या क्या करना है। हाइब्रिडेशन हो गया, डाइपोलमेंट हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, एसोमेरिज्म हो गई, एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक फ्री रैडिकल, SN1 SN2 ये वगैरह एलिमिनेशंस, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग और इलेक्ट्रो के बारे में कुछ बातें बतानी है, ठीक है। ओजोन लेसिस की एक पुरानी वीडियो मैंने ऑर्गेनिक इन माई पॉकेट से और ऑर्गेनिक फॉर डॉक्टर से निकाल करके डाल दी है, उसको भी देख लेना। ओजोनलिसिस की अच्छी बात है उसके अंदर समझाई हुई है। नेम रिएक्शंस, रिएजेंट, ओजोनलिसिस हो गया, वुड्स रिएक्शन, फेडल ग्राफ्ट रिएक्शन। चलो एक काम कर लेता हूँ मैं, चैप्टर वाइज चीज़ों को समझाता चला जाता हूँ, चैप्टर वाइज चीज़ों को समझाता जाता हूँ। जैसे सबसे पहले रिएजेंट और रिएक्शंस हमारे पास में किसके अंदर, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की थियोरेटिकल पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे। इसके अंदर हमारे पास में 2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास में कौन सी है, वुड्स। वुड्स में क्या होता है, जैसे RCl दिया हुआ, 2Na है और यहाँ ClR दिया हुआ है, रिवीजन चल रहा है हमारे पास में, तो हमने इस तरह से इसे निकाल देना होता है। इसकी क्या मैकेनिज्म को आप समझ लीजिएगा, मैं मैकेनिज्म डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, मेरी वीडियो में पड़ी हुई है मैकेनिज्म इसकी, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म मेरी वुड्स रिएक्शन की मैकेनिज्म करके दी हुई है। इसके अंदर एक क्वेश्चन हमारे पास में जनरली ऐसा आ जाता है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, ऐसे भी अगर लिखा हो और 2 मोल हमारे पास में Na अगर डाल दिए तो ये और ये निकल जाते हैं। ईथर की प्रेजेंस होनी जरूरी है क्योंकि फ्री रेडिकल बनाने में हेल्प करा करता है, ये हमारे पास में बन जाता है। अब हमारे पास में वुड्स हुआ, वुड्स के बाद में हमारे पास में जो आती है वो आती है इसी के अंदर कोलबेस, कोलबेस, कोलबेस रिएक्शन। कोलबेस रिएक्शन हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस की जब मैं बात करता हूँ तो कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस में जरा 2-3 बातों को आप ध्यान रखिएगा, रिविजन की बात है। डिटेल एक्सप्लेनेशन तो मैं थोड़ा सा आपके एग्जाम के बाद में डालनी शुरू कर दूंगा। डिटेल एक्सप्लेनेशंस को मैंने अपनी बुकों के अंदर भी दे रखा है, जो मेरी बुक्स हैं उनके अंदर मैंने इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन को समझा रखा है, बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है, बताया हुआ भी वहाँ पर, ठीक है। हमारे पास में क्या होता है, जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है तो हमारे पास में ये और ये गायब होगा, ये और ये होगा, तो हमारे पास में क्या होने जा रहा है, CH3 यहाँ हमारे पास में क्या होगा, CO2, फिर हमारे पास में क्या होगा, NaOH, फिर हमारे पास में क्या होगा, H2, लाइक दिस। मतलब अगर कोई बॉन्ड नहीं है तो एक बॉन्ड लग जाएगा, अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो डबल हो जाएगा, डबल है तो ट्रिपल हो जाएगा और ट्रिपल है तो चपड़ हो जाएगा। चपड़ बॉन्ड नहीं होता है, मतलब अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ तो चौथा बॉन्ड लगा दिएगा, चपड़ बॉन्ड नहीं होता है। ये मेरे पास अगर कहीं पर ऐसे दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, इसमें मैं जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ बस उसी के ऊपर ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर हूँ, अगर मैं ऐसे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ और इसको मैं अगर डाल देता हूँ तो ये गायब कर दीजिए, यहाँ बॉन्ड लगा दीजिएगा, ये बन जाएगा, ये। फिर इसी तरह से हमारे पास में अगर कहीं पर ये दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ है, ये भी एक इंटरेस्टिंग है। अगर मेरे पास में फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको 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 गायब होना, इन दोनों के बीच में जुड़ेगा तो H और H मिलेगा। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे पास में जो इसके अंदर होता है तो H+ होता है और ये हमारे पास में CH3COO- होता है, CH3COO- होता है। जो इम्पोर्टेंट बात है ये कैथोड पे जाता है, ये हमारे पास में एनोड पे जाते हैं। तो एनोड पे क्या मिलता है हमें, CH3 मिलता है और CO2 मिलता है, ये एनोड पे मिलते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। और ये हमारे पास में किस पे मिलते हैं, कैथोड में मिलते हैं और ये सॉल्यूशन में पड़ा रहता है, ये एनोड पे, ये कैथोड पे, ये सॉल्यूशन के अंदर। इसी तरह से अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर एनोड पे भी H2 मिलेगा और कैथोड पे भी H2 मिलेगा, एनोड और कैथोड दोनों पे H2 मिलता है क्योंकि एक H+ वाटर से आता है, ये वाली बात है। दूसरी बात, इसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है, ये CH3 हट के यहाँ लग जाता है, इसे हटा के, तो क्या बनेगा CH3COOCH3, क्या बनता है, एस्टर बनता है। दिस इज द बाई प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट क्या हुआ, आपस में जुड़ गए CO2, ये एनोड पर आया, वो कैथोड पर गया। एक क्विक रिवीजन है, फटाफट 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 करके बता रहा हूँ। डिटेल एक्सप्लेनेशन तो बड़ी गजब लगती है उसकी, मतलब ऑर्गेनिक की जो मैकेनिज्म समझाने का मज़ा है ना, गजब, बहुत मज़ा लगता है मुझे ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म समझाने में, बहुत मज़ा आता है मुझे। तो वो तो आगे की ओर बात करेंगे। तो ये हमारे पास में कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस हो गई, इसकी बात बता दी। इसमें एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन हमारे पास में क्या हुआ करती है कि अगर मेरे पास में टर्शरी यहाँ पर दिया हुआ है, टर्शरी, ये टर्शरी कार्बन, तो इसके ऊपर केमेनोफोर रिएक्ट करता है और यहाँ पर इसको हटा करके इस जगह पर क्या लगाया था, OH लगाया था। एक और चीज़ मुझे आपको इसमें समझानी थी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हेलोजिनेशन वाली रिएक्शन। हेलोजिनेशन वाली रिएक्शन में जब भी उसके पास HNO लिखा होगा तो एक ही Cl लगेगा, लेकिन अगर लाइट लिखा होगा तो इसका मतलब सबको उड़ा दो, सबको उड़ा दीजिए, सबको उड़ा दीजिए, सबको खत्म कर दीजिए, किसी को मत छोड़िए, ठीक है, ऐसा कर दीजिए आप बिल्कुल, ठीक। तो ये हमारे पास में क्या हुआ, एल्केन खत्म हुई। एल्केन के अंदर हमारे पास में फिर उसके बाद में बात आती है एल्कीन की। एल्कीन की रिएक्शंस तो बहुत कॉमन है, ओजोलेसिस मैंने आपको समझाई दी है। और हमारे पास में क्या हुआ करता है, हमारे पास में हुआ करता है मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, इसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ। ये हमारे पास असिमेट्रिक एल्कीन्स के अंदर होता है, सिमेट्रिक में हमारे पास नहीं होता। साथ में हमारे पास में कोई अगर इस तरह का ग्रुप लग गया जो इसे खींच रहा है, उल्टा तुड़वा रहा है, तो भी मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का काम नहीं हुआ करता है। केवल HBr इस चीज़ को शो करता है। दूसरी बात, HI और HCl इस काम को नहीं करते हैं, वहाँ पर एक स्टेप एंडोथर्मिक हो जाता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन फिजिबल नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है। एल्कीन के केस में हमारे पास में ये चीज़ बात आती है। एल्कीन के अंदर सिन और एंटी अटैक मैं अभी अब आपको बता ही चुका हूँ थोड़ी देर पहले। एल्कीन के ऊपर सिन और एंटी अटैक का अभी जिक्र मैंने अभी एल्कीन के अंदर किया था कि किस तरह से सिन अटैक होता है, किस तरह से आपका एंटी अटैक हुआ करता है, तो वो मैं आपको इसके अंदर बता चुका हूँ। उसमें कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिन अटैक कहाँ होगा और एंटी अटैक कहाँ होगा और कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर सीख चुके हैं, जान चुके हैं, ठीक है। अब मैं इससे आगे की ओर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ध्यान रखेंगे। क्या बात है कि हमारे पास में इस तरह से अगर कहीं पर ये दिया हुआ है और ये है, कुछ बच्चे इस रिएक्शन को समझ चुके होंगे, यूं यूं और यूं जोड़ दीजिए, ये बन गया रिएक्शन। सोचिए कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है। रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन मेरे पास में ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर एसिड की प्रेजेंस होगी तो ये डाइमराइज हो जाता है, डाइमराइज हो जा करके ऐसे एक्सप्लेनेशंस मैंने आपकी अलग वीडियोस में दे रखी है, लेकिन आपस में जुड़ जाता है। एक होगा दो हो जाएंगे ऐसे। अगर मेरे पास में कोई साइक्लिक बना हुआ है, दो मोलिक्यूल, तो वो इस तरह से जुड़ जाएंगे, ऐसे लाइक दिस। हीट करेंगे, डीलल्डर, डीलल्डर्स, और ये वाली बात हो जाती है, ठीक है। चलिए अब हमारे पास में एक और आखिरी बात बचती है इसकी, एल्काइन। एल्काइन में सीधी सी बात है, कार्बाइड्स की रिएक्शन एल्काइन पे S2PD, S2SI ये क्या करा करते हैं, मतलब अभी अभी मैंने आपसे बात की थी, एक सिस अटैक आपका क्या होता है, इस तरह से S2PD अगर डाल दिया, S2PD BSO4 या CaCO3 या CaCO3, सिस होगा। इसके अंदर ये पॉइजन का काम करता है, मतलब अगर ये ना हो तो ये ट्रिपल डबल डबल से सिंगल हो जाएगा। रीजेंट का क्या नाम है, ये आपको याद रखना है। रीजेंट का क्या नाम है ये आपको ढूंढना है कि आखिरकार इस रीजेंट को हम क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में जो आती है ये और भी चीज़ें हैं इसके अंदर जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। एनबीएस क्या होगा, डबल से नेक्स पे हमारे पास में BR लगता है। एनबीएस, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड है हमारे पास में, कौन है, एनबीएस, डबल से नेक्स पे लग जाना, डबल से नेक्स पे हमारे पास में लग जाएगी। एनबीएस के केस में फ्री रेडिकल हमारे पास में हुआ करता है, ठीक है। ब्रोमीन लिक्विड हो गया, सब हो गया, सारी चीज़ें हमारे पास में होती चली जाती हैं, ठीक। उसके बाद में मैंने आपसे कहा था क्विक रिविजन के टाइप में चल रहा है हमारे पास में, और हमने यहाँ पर आपसे क्या बात करी, अभी हमने बात करी आपकी बहुत छोटी 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 बातें मैंने आपको समझाई हैं। क्या चीज़ समझाई है, हाइड्रोकार्बन को निकाल के ले गया मैं आपकी ये सारी चीज़ को। अब थोड़ी देर में मैं आपको एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड इनको निकाल करके ले जाऊँगा नेक्स्ट फेज में। तो वहाँ बात करेंगे क्विक रिविजन ऑर्गेनिक फाइव, मतलब बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको इन सब चीज़ों को भी रिवाइज करा करके ले जाऊंगा। लेकिन डिटेल एक्सप्लेनेशन मेरी दूसरी बुक है, बार बार मैं कह जा रहा हूँ, कहीं कन्फ्यूज़ मत होइएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 11th वाले इसे देख रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 12th वाले इसे देख रहे होंगे, जो कमिंग 12th में आए हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 11th में भी आए हैं वो इसे देख रहे होंगे। तो ये फास्ट रिविज़न चल रहा है, ये 11th 12th वाले बच्चों को मैं पहले बताता हूँ, ये फास्ट रिविज़न चल रहा है बहुत जल्दी जल्दी से। ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें छूट जा रही हैं जिन्हें हम आगे कहीं जिक्र कर रहे होते हैं। ठीक है, बस एक रिएक्शन मुझे जो आपको यहाँ बतानी थी वो ये थी कि अगर मेरे पास Cl2 लिखा है तो डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, नो डाउट, और अगर मेरे पास में Cl2 HNO लिखा है तो सिंगल बॉन्डेड पर अटैक करेगा यहाँ पर, लाइक दिस, सिंपल। इस तरह की बातों को भी ध्यान रखें। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर लिखा होगा ऑर्गेनिक फाइव, और वो हमारी लास्ट वीडियो होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो डिसार्ट मत होइए, चीज़ों करते रहिए, समझते रहिए। और उस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँगा कि आखिरकार आप लास्ट मोमेंट में इस समय पे डर को कैसे दूर करें। ठीक है, मिलता हूँ थोड़ी देर में, तैयार होकर के आइए, खा पी के आराम से बैठिए, रिवीजन आपका हो रहा होगा, रिवाइज करते रहिएगा। PDF में आपके रिजल्ट्स वगैरह के इसके साथ में दे दूँगा, लास्ट वीडियो में, 5th वीडियो में आपको जरूर दे दूँगा उसको। ठीक है, मेरी तरफ से तो बस एक ही बात रहेगी आपके लिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिए, घबराइए नहीं, मस्ती से रहिए।